खुल गया खुल गया खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहां डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694। चंदन क्यारी के मुल्लुडी गांव में रविवार को सुनत संथाल समाज की ओर से तिलका मांझी के जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां नेता प्रतिपक्ष सर चंदन क्यारी विधायक अमर बावरी पहुंचकर बाबा तिलका मांझी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। साथ ही सोना संथाल समाज के अध्यक्ष शंकर मुर्मू समेत अन्य लोगों ने भी तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि तिलका मांझी चांद भैरव समेत कई शहीदों के बलिदान के फलस्वरूप हम आजादी की सांस ले रहे हैं। उनके द्वारा बताए गए मार्ग एवं आदर्शों पर चलना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज के दिन हमें संकल्प लेने की जरूरत है। मौके पर कोमल मुर्मू, सोहराई हांसदा, बैजनाथ महतो, अनंत लाल मरांडी, रघुनाथ मुर्मू समेत अन्य लोग उपस्थित थे। बाबा तिलका मुर्मू का जन्म महोत्सव बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, प्रत्येक साल मनाते हैं। आज एक हमारे महापुरुष का एक इतिहास है कि उन्होंने किस तरह संघर्ष करके अपना जीवन बलिदान दे करके हमारे भारत को स्वतंत्र करने में अहम भूमिका निभाएं। हम आदिवासी को भी ये सीख लेना चाहिए कि हम लोग भी कभी भी हम लोग किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, और हम लोग को आगे डट कर रहना है। अपना जल जंगल जमीन की सुरक्षा हो या हमारे साथ जो अन्याय हो उसके विरोध में एक साथ खड़ा होना है आदिवासी को, और शिक्षा में आगे आना है, हमें नशा से मुक्ति रहना है। हमारे जितने भी आदिवासी भाई लोग हैं, हमारे जितने भी अमर शहीद हुए हैं, तिलका मांझी, सिद्धू कानू, पुल्लो झानो, वीर बिरसा आभा, उन लोगों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि उन लोगों ने कभी किसी से भी हार नहीं माना, अपना बलिदान दिया, देश के लिए अपना समाज के लिए शहीद हो गए। हम लोगों को यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे समाज की सुरक्षा के लिए, अपना जात, अपना धर्म, अपना समाज की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, और हम लोग को एकजुट रहना चाहिए, और हमेशा शिक्षा पर अधिक ध्यान देना है। हम लोग शिक्षित होंगे, हमारे जितना भी बच्चे आईएएस आईपीएस बनेंगे, अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तभी हम लोग अपना राज कायम कर सकते हैं, अपना सत्ता कायम कर सकते हैं, और अच्छा भविष्य हम लोग का होगा। धन्यवाद। अमर शहीद बाबा तिलका मांझी जी की आज जन्म जयंती है, और हर वर्ष की बात इस वर्ष भी मुल्लुडी में शंकर सर के नेतृत्व में ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाबा तिलका मांझी हम सब के प्रेरणा के केंद्र रहे हैं, और हम लोगों ने कहा है कि भारतीय इतिहास में जो इतिहासकार हैं उन्होंने उनके कृतित्व को, उनके बलिदान को कमतर आका है। 1857 के सिपाही विद्रोह के पहले संताल में सबसे बड़ा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले बाबा तिलका मुर्मू, सिद्धू कानू, फूलो झानो, ये सारे ऐसे अमर शहीद रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों की दास्ता को कभी नहीं स्वीकार किया। उन्होंने अपना प्राणों का उत्सर्ग करना स्वीकार कर लिया, लेकिन कभी उनका दास्ता स्वीकार नहीं किया। 4000 से ज़्यादा उस समय लोगों ने इस महाविद्रोह में संताल समाज के लोगों ने जो नेतृत्व किया था उसमें अपने जीवन का बलिदान किया था, अपने इस माटी की रक्षा के लिए, इस जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए। आज अपने पूर्वजों को याद करके हम लोग यह संकल्प लेते हैं कि अपने जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए कोई भी अगर यदि उसका कोई भी वो चाहे हमारा क्या हो या कोई भी हो, हम किसी को इस मिट्टी की रक्षा करने में किसी का जो है लूटने नहीं देंगे, और हम सब लोग मिल करके उस आदर्श का स्थापना करेंगे जिस आदर्श की स्थापना के लिए हमारे अमर शहीदों ने अपना बलिदान दिया।